में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनी। कुछ दिन पहले घर से गायब हुई महिला ने कुछ लोगों पर बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। मामला दमोह के मडियादो क्षेत्र का है, जहां 9 मई को फरियादी लल्लू ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी बिना बताए रात में कहीं गायब हो गई है। इसके बाद वह 30 मई को अपनी पत्नी के साथ आया और फिर से शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी को गांव का ही एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ राजस्थान ले गया था और एक किराए के मकान में रखकर वह उसके साथ लगातार कुकर्म करता रहा। हाल में ही आरोपी शादी का झांसा देकर ग्राम आया था। मौका मिलते ही उसकी पत्नी आरोपी के चंगुल से भाग खड़ी हुई और पति के साथ आकर रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची। पुलिस द्वारा तत्काल आरोपी को मादेग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 9/4/2018 को फरियादी लल्लू सनाब वृंदावन लोधी निवासी मादे ने थाने में आकर सूचना दी थी कि उसकी पत्नी श्रीमती फूलबाई उसके बिना बताए के ही चली गई, जिस पर थाना मड़ियादू में गोविंद थाना क्रमांक 4/18 कायम कर जाँच की जा रही थी, जो दिनांक 30/5/2018 को फरियादी लल्लू अपनी पत्नी के साथ थाना आया था, जिसने एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया था, जिसने बताया था कि दिनांक 8/4/2018 को उसकी पत्नी घर में अकेली थी और वो लगन के कार्यक्रम में बाहर गया था। तभी गांव का मूरत सिंह लोधी उसके घर में आया और उसे शादी का झांसा देकर भगाकर राजस्थान ले गया था। वहाँ किराए के मकान में रखे रहा और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता रहा। महिला ने कई बार यहाँ आने के लिए बताया तो धमकी देता था कि यदि किसी को बताया तो जान से मार डालेंगे, इसलिए महिला ने किसी को नहीं बताया। तो फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 85/18 धारा 366 376 506 भी कायम किया गया। आरोपी की तलाश की गई थी, जो कल दिनांक 31/5/2018 को आरोपी मूरत सिंह सनाफ राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। न्यूज़ बीके के लिए दमोह से राजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।